नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर के साथ मैं हूँ आपके साथ। जब भी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं तो वो अपने आप में काफी खास होता है। और अभी अभी पीएमओ के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है कि शाम को 5 बजे आज प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम अपना संबोधन करेंगे। और क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है और काफी सारे अपडेट्स हैं कोरोना को लेकर के, हो सकता है वो कोरोना काल में वैक्सीन को लेकर के कोई ऐलान करें। और बहुत सारी बातें हैं जिन पे लोग एज्यूम कर रहे हैं कि वो क्या बोलेंगे। हालांकि मोदी का संबोधन किस मुद्दे पे होगा ये ट्वीट में साफ नहीं किया गया है, लेकिन कोरोना काल में मैं आपको बता दूं कि राष्ट्र के नाम उनका ये 9वां, इससे पहले 8 बार वो संबोधित कर चुके हैं। और सेकेंड वेव जो आई है उसमें उनका ये कुल मिलाकर के, दोनों वेव को मिलाकर के ये 9वां संदेश होगा। और अगर हम थोड़ा सा एज्यूम करें तो मोदी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे वो बात कर सकते हैं। मसलन वैक्सीन को लेकर के वो बात कर सकते हैं, वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूकता के साथ साथ इसके स्टॉक और इसकी अवेलेबिलिटी पर वो चीज़ों को साफ कर सकते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनज़र कुछ ऐलान कर सकते हैं। और कोरोना के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है उस पर वो बात कर सकते हैं। देश के कई राज्यों में अनलॉक जारी है, इस दौरान सावधानियों को लेकर भी संदेश दिया जा सकता है। और तीसरी लहर जिसके लिए बात की जा रही है, जो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होने की बात कह रहे हैं लोग, उसको लेकर के भी वो, उन चुनौतियों से लड़ने को लेकर के भी वो बात कर सकते हैं। और एक और बात जो है वो ये है कि वो कोरोना काल में किस तरीके का अनुभव रहा पूरे हेल्थ सेक्टर को लेकर के, लोगों को लेकर के, इस दौरान जो लोगों ने सावधानी बरती या असावधानी के कारण जो सेकेंड वेव आई है, इस पर भी वो बात कर सकते हैं। और आप जानना चाहेंगे कि इससे पहले वो कितनी बार उन्होंने भाषण दिया, तो मैं आपको बता दूं कि लगभग मार्च एंड में कोरोना दस्तक दे चुका था। कोरोना ने दस्तक तो पहले ही दे दी थी, लेकिन उस समय मार्च तक जो है काफी सिचुएशन क्लियर हो गई थी। तो पहला जो उन्होंने अपना राष्ट्र के नाम संबोधन कोरोना काल में दिया था वो 19 मार्च 2020 को दिया था, और उसमें उन्होंने कर्फ्यू की अपील की थी, जनता कर्फ्यू की अपील की थी। और दूसरा उन्होंने जो अपना राष्ट्र के नाम संदेश दिया था वो 24 मार्च 2020 को दिया था, और तीसरा 3 अप्रैल 2020 को दिया था, और चौथा उनका जो संबोधन था 2020 में वो उन्होंने 14 अप्रैल को दिया था, पांचवा फिर 12 मई को दिया था 2020 में ही, और छठा उनका संबोधन 30 जून को था, सातवां उनका संबोधन 20 अक्टूबर 2020 में था। और उस दिन उन्होंने ये अपील भी की थी कि कोरोना की दवाई जब तक नहीं आती तब तक ढिलाई नहीं। और दोस्तों अब दवाई आ चुकी है, और इसके बाद भी उन्होंने आठवां जो उनका संबोधन था वो 20 अप्रैल 2021 में लगभग 19 मिनट वो बोले थे, और उन्होंने अपने भाषण में ये कहा था कि देश को लॉकडाउन से बचाना है और सरकारें इसे आखिरी विकल्प के तौर पे इस्तेमाल करें। और दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि लगभग लगभग पूरा देश लॉकडाउन की चपेट में आया, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। आज आज उनका 9वां संदेश होगा, तो अब सभी लोगों की ये जिज्ञासा रहेगी कि वो क्या बोलते हैं। प्रधानमंत्री का देश के नाम जो, राष्ट्र के नाम जो संदेश होता है अपने आप में बड़ा अहम होता है। और दर्शकों ये 5 बजे इसका प्रसारण होगा, तो तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए, और मैं फिर एक बार आपके साथ हाजिर होंगी जब राष्ट्र का नाम संदेश प्रधानमंत्री दे चुके होंगे, तो मैं आपको सारी अपडेट से अवगत कराऊंगी।
जय हिंद, जय भारत।